आज हमारी खास मुलाकात है आशा दुआ के साथ। आशा दुआ एक समाज सेवी भी हैं, कोशिश वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष भी हैं। वे हमेशा से गरीब बच्चों के एजुकेशन के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, उनकी सहायता के लिए और हमेशा सहयोग करती हैं उनकी पढ़ाई को लेकर। और इसी सहयोग में वह अपनी कोशिश वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से जलसा इंडिया नाइट 2022 कराने जा रहे हैं। समय है 6 बजे शाम से रात्रि 10 बजे तक, दिनांक 3 अक्टूबर 2022 को। इनका यह कराने का मकसद है इनसे इंडिया से जो भी आमदनी प्राप्त होगी उसको वह गरीबों के पढ़ाई उनके खान पान में लगाएंगे, क्योंकि उनकी सोसाइटी आगे भी यह कार्य करते आए हैं। इस इंडिया के लिए अभी फ्री क्लास भी चालू है। मुख्य अतिथि के रूप में प्रताप सिंह खाचियावास, राजस्थान के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रफीक खान, राजस्थान राज्य के विधानसभा के सदस्य होंगे। जालसा द इंडिया नाइट इसका स्थान खालसा हेरिटेज नियर गोल चक्कर 20 दुकान आदर्श नगर जयपुर। मैं अभी मौजूद हूँ जयपुर में कोशिश वेलफेयर सोसाइटी के डांडिया महोत्सव में। मैं श्रीमती आशा दुआ से वार्तालाप करने आए हैं और इन्होंने बताएंगे ये 3 अक्टूबर को जो डांडिया का यह प्रोग्राम है इसके बारे में। नमस्कार आशा जी, आप भी आप बताइए ये प्रोग्राम का बारे में कुछ भी। नमस्कार, मैं आशा दुआ, कोशिश वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्षा आशा दुआ। गरीब बच्चों की सहायतार्थ एनजीओ काम करती है, थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए और गरीब बच्चों के लिए कोशिश वेलफेयर सोसाइटी हमेशा ही अग्रसर रहती है। उन्हीं की सहायतार्थ हम एक प्रोग्राम आयोजित करने जा रहे हैं जिसका नाम है जलसा डांडिया महोत्सव 2022, जो कि खालसा हेरिटेज 20 दुकान गोल चक्कर पर 3 अक्टूबर अष्टमी रात्रि 6 बजे से 10 बजे तक इस प्रोग्राम को आयोजित किया जाएगा। उसी में आप सभी सम्मानित जन सहपरिवार पधारें और इस कार्यक्रम को बहुत सफल बनाएं, क्योंकि ये कार्यक्रम गरीब बच्चों की सहायतार्थ किया जा रहा है। तो आप सभी से आग्रह है कि इस प्रोग्राम में अधिक से अधिक संख्या में पधार करके इस प्रोग्राम को सफल बनावें। धन्यवाद। तो जी ये बताइए, हमारा आवाज़ इंडिया के तरफ से आपने क्या बोलना चाहता है? सर, आज आवाज़ इंडिया न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है और उनके माध्यम से मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि ये प्रोग्राम गरीब बच्चों की सहायतार्थ किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य गरीब बच्चों की शिक्षा एवं उनकी पालना करना है। थैलेसीमिया बच्चों की सहायतार्थ किया जा रहा है। अतः मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि अधिक से अधिक संख्या में इस प्रोग्राम में पधार करके इस प्रोग्राम को सफल बनावें, ताकि हम अपने उद्देश्य को पूर्ण कर सकें। हमारा उद्देश्य जो है वो गरीब बच्चों की, जो इसके अंतर्गत आने वाला सभी जो हमने इस प्रोग्राम के जो पासेज हैं वो भी फ्री रखे हैं, ताकि सभी जनता इसको अधिक से अधिक पहुंच करके इसका लाभ उठा सके। और इस प्रोग्राम के तहत जो भी जमा पूंजी होगी वो हम गरीब बच्चों के तहत लगाएंगे, उनकी फ्री एजुकेशन के लिए लगाएंगे, उनको सामग्री सभी कुछ उपलब्ध कराएंगे। सोसाइटी गरीब बच्चे और थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए हमेशा अग्रसर रही है और उनके लिए अधिक से अधिक कार्य करती आई है। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए प्रत्येक वर्ष कोशिश वेलफेयर सोसाइटी ब्लड कैंप का आयोजन करती है, फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन करती है और इस तरीके के प्रोग्राम आयोजित करती है, जिससे कि हम गरीब बच्चों की पढ़ाई के अंदर अधिक से अधिक हम उनको सहायता पहुंचा सकें। उनकी एजुकेशन का भार भी इसी संस्था ने ले रखा है। मेरी 2 स्कूल चलते हैं एनजीओ के थ्रू, जो कि एक तो जवाहरनगर में है और एक अक्षरधाम पर सामने। हमने 150-150 बच्चे जो है वो गोद ले रखे हैं, गरीब बच्चे, जिसके कोशिश वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा इन बच्चों को फ्री एजुकेशन, फ्री शिक्षा की समस्त सामग्रियां भी उपलब्ध कराई जाती हैं। आशा जी ये पूछना है हमको, ये जलसा का जो आपने प्रोग्राम किया है इसका पूरा परमिशन लेके कर रहे हैं ना बिना परमिशन में कर रहे हैं? जी हाँ, जलसा के प्रोग्राम की पूरी परमिशन हमने सरकार से ली है। उसके लिए हमने पूरा राज्य सरकार के द्वारा जो भी अपने कोर्ट के द्वारा जो भी आदेश हैं उनको देखते हुए ही, उनको उनकी पालना करते हुए इस प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि आजकल कोरोना बीमारी के चक्कर में ऑलरेडी परमिशन लेने पड़ता है, इसीलिए बात आपको पूछा गया। और इसमें आपके चीफ गेस्ट के माध्यम से किसको बुला रहे हैं? बिल्कुल,
कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए भी कोरोना की पालना करते हुए इस प्रोग्राम को आयोजित किया जाएगा, उसकी गाइडलाइन का पूरा पालना की जाएगी और कोशिश वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जो जलसा नाइट हो डांडिया महोत्सव हो रहा है इसके अंतर्गत हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो हैं आदर्श नगर के विधायक रफीक खान जी, मंत्री हमारे प्रताप सिंह खाचरियावास जी और महापौर मुनीश गुर्जर जी, समाजसेवी रवि नैयर जी। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा चैनल के तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डब्लू गोस्वामी, आवाज़ इंडिया, ब्यूरो चीफ राजस्थान।